नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे आलू सूजी बेसन से बना बहुत ही आसान और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कच्चा आलू, जिसे मैंने छील लिया है। इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। ये कद्दूकस हो चुका है। अब हम एक बोल ले लेंगे। इसमें आधा कप बेसन, आधा कप सूजी। हमें सूजी और बेसन बराबर मात्रा में लेना। इन्हें ग्राम से देखें तो 100 ग्राम है। अब इसमें पानी एक कप थोड़ा थोड़ा करके मिलाना। इसमें फिर से थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा अजवाइन, कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, इसके जगह पर चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा घिसा हुआ अदरक, और अब डालेंगे आधा नींबू का रस, अब इसे मिक्स करेंगे। इसमें एक कप पानी और डालेंगे, इसे थोड़ा मिलाएंगे। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा तेल, इसमें डालेंगे थोड़ा राई, थोड़ा जीरा, एक पिंच हींग, 5 से 6 करी पत्ते, इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इसे चलाएंगे। इसे थोड़ा ही फ्राई करना है। अब इसमें डाल देंगे गाजर, टमाटर डाल देंगे, इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे भी थोड़ा ही भूनना है। अब धनिया पत्ता डाल लेंगे। ये भून चुकी है, इसमें अब बेटर डाल देंगे। इसे लगातार चलाते रहना है। कुछ ही देर में बेटर गाढ़ा होने लगेगा। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 3-4 मिनट और पका लेना है। इसे लगातार चलाते रहना है। अब ये हो चुकी है। अब हम केक टिन में तेल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर केक टिन लिया है। आप चाहे तो इसी तरह का कटोरी या प्लेट ले सकते हैं। हमने जो बैटर तैयार किया था उसे केक टिन में डाल देंगे। इसे अच्छे से दबा के हर तरफ कर लेंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगा के इसे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। इसे हम 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे या फिर 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये सेट हो चुका है। इसे डिमोल्ड कर लेंगे। ये अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे कट कर लेंगे।
ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं या फिर आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सेलो फ्राई कर रही हूँ। इसे हम धीमे आंच पर ही बस थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इसे नीचे से कलर चेंज होने पर पलटा लेंगे। इसे दूसरे तरफ से भी पकने देंगे। अब ये हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। लो जी, तैयार है हमारा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। तो कैसा लगा आपको, खाके कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।